हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। भारत में बनेगा दुनिया का सबसे लंबा बिजली से चलने वाला राजमार्ग। खबर है कि भारत दिल्ली और जयपुर के बीच दुनिया का सबसे लंबा बिजली सक्षम राजमार्ग बनाने की तैयारी में है, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की एक समर्पित लेन पर इलेक्ट्रिक बसें और ट्रक चल सकते हैं। यह परियोजना टाटा और सीमेंस जैसी कंपनियों से रुचि आकर्षित कर रही है और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी पर निर्भरता नहीं रहेगी। अगले 6 वर्षों में इस हाईवे के पूरी तरह से चालू हो जाने की उम्मीद है। अमरनाथ यात्रा पर आतंक का साया, कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश को लेकर सेना अलर्ट। खबर है कि अमरनाथ यात्रा के बीच भारतीय सेना संभावित आतंकी घुसपैठ को लेकर हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा उपायों में सुधार के बावजूद 90 के दशक से ही इस यात्रा को निशाना बनाया जा रहा है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दूर दराज के क्षेत्रों में सैनिकों के लिए चार्टर्ड उड़ानें प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अजीत पवार खेमे को बड़ा झटका, एनसीपी के गुटबाजी के बीच शरद पवार के खेमे के लौटे विधायक। खबर है कि सतारा विधायक मरकंद पाटिल और उत्तरी कराड विधायक बालासाहेब पाटिल शरद पवार के खेमे में लौट आए हैं। दोनों अजीत पवार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ खड़े रहे थे। बता दें कि पवार उन्हें संसद से अयोग्य घोषित करने की कार्यवाही शुरू करते हैं, जबकि पार्टी के अन्य सदस्यों को भी बर्खास्त कर दिया गया है। बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति पर दी सफाई, कहा राज्य के छात्रों को नहीं होगा इससे नुकसान। खबर है कि बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने राज्य शिक्षक नियमावली में स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता खत्म किए जाने पर कहा है कि बाहरी राज्यों से कम अभ्यर्थी चयनित होंगे और उससे बिहार के छात्रों के हितों का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य की 50% रिक्तियां आरक्षित होती हैं और उसका लाभ सिर्फ स्थानीय निवासियों को ही मिलता है। अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। खबर है कि केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन किया है। संवैधानिक पीठ 11 जुलाई को इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में आखिरी बार सुनवाई की थी। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक, मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें। खबर है कि दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 4 घंटे चली इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। बकौल रिपोर्ट्स जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से कुछ पुराने मंत्रियों को हटाकर नए लोगों को शामिल किया जा सकता है। इस वर्ष यह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की दूसरी बैठक थी। हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम अब होगा मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम। खबर है कि दिल्ली मेट्रो ने एक ही दिन के अंदर तीसरी बार हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने का ऐलान किया है। डीएमआरसी ने ट्वीट करके बताया कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि इस स्टेशन का पूरा नाम मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम होगा। इससे पहले इस स्टेशन का नाम गुरुग्राम सिटी सेंटर और मिलेनियम सिटी सेंटर रखने का ऐलान हुआ था। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।